जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, हम और आप जिंदाबाद। आज हमारे कार्यालय में मेन लोग जो कार्यकर्ता लोग हैं, जे रिटायर्ड नसीब सिंह जी, श्रीमान रजेश शर्मा जी जो सीनियर लेक्चरर रिटायर हुए हैं, नायब तहसीलदार पुरुषोत्तम जी और इनके साथ काफ़ी संख्या में लोग जो आज यहाँ पे ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से सबको बधाई देता हूँ। और ऐसे ही हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो काम करते रहें और पार्टी का विस्तार करते रहें। मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो जो लोग ज्वाइन करेंगे, मैं आपसे अपेक्षा करूँगा, उम्मीद रखूँगा कि आज के बाद आपकी जो रिस्पांसिबिलिटी होगी, आप और लोगों के साथ बातचीत करिए। सारी जनता, भारतीय जनता पार्टी का काम देखे, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का काम देखे, हमारे लोगों तक जो डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, चाहे वो रिंग रोड्स हों, चाहे वो फ्लाईओवर्स हों, चाहे वो नेशनल हाईवे हों, या हमारे गरीब लोग किसान लोगों को किसान सम्मान निधि हो, या लोगों के घर बनाने की बात हो, या लोगों को फ्री राशन या फ्री टीकाकरण की बात हो, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये अध्यक्ष जी, ये सभी लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र भाई मोदी जी का काम देख के और अमित शाह जी का काम देख के, खासकर जम्मू में, जम्मू कश्मीर में हमारे नौजवान अध्यक्ष जी का काम देख के जो सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा ही चंद्रकांत जी भी जहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी मेरे साथ बैठे हुए लोग जहाँ पे हैं, मुझे लगता है अध्यक्ष जी आम का लोग नहीं है, ये बड़े मेन लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ज्वाइनिंग कराई जाए। हाँ, सबसे पहले श्री नसीब सिंह चिप सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। आपका बड़ी बड़ी मुबारक है नसीब जी, वेलकम, हार्टेस्ट वेलकम, वेलकम, क्या बात है, बड़ी मुबारक सीनियर लेक्चरर, बहुत मुबारक है आपको। हाँ, लेक्चर साहब श्री राजेश शर्मा जी, बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है राजेश जी, बहुत बहुत आपको मुबारक है, वेलकम है बीजेपी में, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक है। तहसीलदार पुरुषोत्तम जी, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद है, बहुत बहुत मुबारकबाद है। श्री तहसीलदार साहब चंद्रकांत जी, बहुत बहुत मुबारकबाद है। एएसआई रिटायर्ड चंद्रकांत जी, जोरदार तालियों के साथ चंद्रकांत जी का भी स्वागत करें, मोस्ट वेलकम चंद्रकांत जी। श्री फैज मोहम्मद जी, बात है फैज मोहम्मद जी, बधाई है, मुबारक है आपको फैज मोहम्मद, बहुत अच्छा, आ जाओ फैज मोहम्मद जी, आ जाओ, जितने भी साथी आए हैं ज्वाइन करने के लिए इनके साथ, वो सारे मंच पर आ जाएं। चलिए श्री विपिन शर्मा जी, सबके नाम बोलो आप जल्दी। श्री सतीश कुमार जी, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत, तालियां बजाओ जी, बहुत अच्छा, तालियां तालियां बजाओ। चलिए आइए सारे सारे साथी, चलिए अशोक कुमार जी, चलिए चंद्रपाल शर्मा जी, इधर आइए जी, प्रदीप जी, बहुत बहुत मुबारकबाद है जनाब, राकेश जी ये ढालो फूलमाला, रवि कुमार जी, चलिए क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद है, बहुत बहुत मुबारकबाद है, बड़ी बड़ी मुबारक जनाब, क्या बात है, क्या मास्टर जी, क्या है, ठीक है राजी खुशी जनाब, मास्टर जी क्या बात है, क्या बात है। चलिए रवि कुमार जी, सबके नाम बोल दो, बोल रहा सभी, चलिए संजय सिंह, जोरदार तालियों के साथ स्वागत संजय सिंह जी का, चैन सिंह जी, क्या बात है, आइए जी, वरिंदर सिंह जी, बहुत अच्छा, शाबाश, तालियों के साथ, आगे जी, मोहम्मद जावेद जी, तालियों के साथ स्वागत करें, मुबारक है आपको, मोहम्मद नसीब जी, क्या बात है, क्या बात है, वो जनाब की हाल है, क्या बात है, सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, परवारी जी, तालियों के साथ स्वागत करें, गुलशन नारायण जी, शाबाश, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, राजेश जी सम्मानित करें, क्या बात, वेलकम वेलकम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, बड़ी बड़ी मुबारक है, क्या बात है, चलो ठाकुर जी आप भी आगे चलो, डालो जोरदार तालियों के साथ,
ये लो ठाकुर जी, चलो क्या बात है, जफा लगा के मिला करो ठाकुर जी, क्या बात है, इधर डालो, इधर इधर तालियों के साथ स्वागत करें, क्या बात है। लो जी ठाकुर जी, लो डालते जाओ, डालते फूल माला लाओ, बहुत बहुत मुबारक है जनाब, बहुत बहुत मुबारक है, तालियों के साथ स्वागत जोरदार तरीके से, क्या बात है, वेलकम वेलकम, ये लो वेलकम, स्वागत स्वागत भारतीय जनता पार्टी में आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत, तालियां भी नहीं चाहिए बस, शाबाश, क्या बात है, जोरदार, वाह जी वाह, डॉक्टर साहब बल्ले बल्ले, ला जी क्या बात है, बढ़िया, मुबारक है डॉक्टर साहब, बहुत मुबारक है, इधर आओ जी, क्या बात है, बड़ी मुबारक है जनाब, बहुत मुबारकबाद, क्या बात है, क्या बात है जनाब, चलो ठाकुर जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, क्या बात, बड़ी मुबारक है जनाब, बहुत मुबारक, शाबाश, बड़ी बड़ी मुबारक है जनाब, बहुत मुबारक है, शाबाश, क्या बात है, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा ना साहब बड़े बड़े पुराने, क्या बात, तालियों से स्वागत, चलो जी युवा मोर्चा, क्या बात है, चलो जी क्या बात है जी, फिर क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, ठीक है जी, बहुत अच्छा, आप सभी साथी इधर आ जाओ, इधर पीछे सारे इधर आ जाओ, जिनको माला है गले में, माला भी ठीक है, चलिए बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। साथियों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि सुंदरबनी और कालाकोट क्षेत्र से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर्स हैं, श्रीमान ठाकुर नसीब सिंह जी, जिन्होंने कई वर्षों तक केंद्रीय विद्यालय के अंदर एज ए फिजिकल मास्टर काम किया और समाज के एक बहुत ही नामी गिनामी सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और इनके साथ साथ रिटायर लेक्चरर श्री राजेश शर्मा जी, जो कि सुंदरबनी सब डिवीजन के रहने वाले हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, श्री चंद्रकांत जी जो रिटायर पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और रिटायर्ड तहसीलदार श्री परशोत्तम सिंह जी और उनके साथ साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, जो कि समाज के अंदर जिनका बहुत बड़ा सामाजिक कार्यों में योगदान रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में इन्होंने पार्टी का दामन थामा है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठाकुर नसीब सिंह जी हों, तहसीलदार पुरुषोत्तम सिंह जी हों, रिटायर्ड लेक्चरर राजेश शर्मा साहब हों, या पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी चंद्रकांत जी हों, या इनके साथ साथ जो तमाम नौजवान चेहरे, जो नामी गिनामी शख्सियत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मुझे विश्वास है कि आप की मेहनत के बल पर, वो चाहे सुंदरबनी का एरिया हो, कालाकोट का क्षेत्र हो,
भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। मैं अच्छे से आप सबको जानता हूं, आप सबका समाज में बहुत अच्छा प्रभाव है। सरकारी तंत्र के अंदर काम करते हुए आपने आम लोगों के लिए जो सेवाएं दी, चाहे नसीब सिंह जी केंद्रीय विद्यालय के अंदर रह के एज ए फिजिकल मास्टर उन्होंने नौजवानों के अंदर बच्चों को जो है देशभक्ति का जज्बा सिखाया, रिटायर्ड लेक्चरर श्री राजेश शर्मा जी ने भी, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है पूरे क्षेत्र में और बड़ी मेहनत की इन्होंने एज ए टीचर, एज ए मास्टर, एज ए लेक्चरर। और वहीं रिटायर तहसीलदार श्री पुरुषोत्तम जी, इन्होंने भी हमेशा जो है गरीब लोगों से हमदर्दी और मददगार के नाते से जाने जाते हैं। और रिटायर एएसआई श्री चंद्रकांत जी, हमारे बीच में और भी हमारे साथी हैं जो डॉक्टर गुलशन जी हों या कालाकोट के दूर के क्षेत्र से यहाँ हमारे श्रीमान चंद्रपाल जी, एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं इनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। और खासकर जो नौजवान आज के इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इस सारे सीमावर्ती जिले का ये जो सुंदरबनी और कालाकोट का क्षेत्र है, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उस जमाने से ये बीजेपी का गढ़ है जब प्रजा परिषद के आंदोलन हुए थे। लेकिन हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आए। जिस तरीके से मोदी साहब ने आज गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के भलाई के काम किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया है। जिस तरीके से आप आज गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, जम्मू के, कश्मीर के, समाज के हर वर्ग का भला हो रहा है और मोदी साहब सबको साथ लेकर चलते हैं। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। और यही बीजेपी का मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं उम्मीद करता हूं इस मिशन को आप और अधिक मजबूती सुंदरबनी और कालाकोट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ के बाकी एरियाज में भी आप सबकी अच्छी पकड़ है, दोस्ती, भाईचारा, रिश्तेदारी है। इन तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का कारवां और अधिक बढ़े और अधिक मजबूत हो, इसके लिए मुझे आप पर विश्वास है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, किसान मोर्चा के जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट ठाकुर रणधीर सिंह जी को बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने अच्छे लोगों को यहां आज ज्वाइन करवाया है। और साथ ही साथ जो हमारे श्री राकेश रैना साहब जो नौशहरा जिले के सह प्रभारी हैं, इन्होंने भी बहुत बड़ी मेहनत की है इस सारे क्षेत्र में और उसी का परिणाम है कि आज नौशहरा सुंदरवनी के घर घर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और मैं उम्मीद करता हूं ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और हमारे साथी नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार की जॉइनिंग्स के कार्यक्रम होते रहेंगे। आपने देखा कि कितने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम
आज गांव गांव और शहर शहर में हो रहे। किसानों के खाते में 6,000 रुपया, गरीब लोगों के मकान PMAY के तहत, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम मोदी साहब ने किया। आयुष्मान भारत, भगवान न करे कोई बीमार हो जाए, लेकिन इंसान है, कहीं ना कहीं बीमार हो जाता है, और अगर बीमारी किसी इंसान को लग गई और उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है तो 1 साल में 1 इंसान को इलाज के लिए मोदी साहब 5-5 लाख रुपया उस गोल्डन कार्ड से देते हैं। ये सब मोदी जी की स्कीम्स हैं। ई श्रम कार्ड गरीब मजदूर किसानों के लिए, और उसके साथ साथ गरीब लोगों को फ्री राशन, फ्री वैक्सीन कोरोना को खत्म करने की, और जो गरीब लोगों को पेंशन स्कीम्स हैं, जो कोई ओल्ड एज है, कोई विडो है, कोई दिव्यांग है, उनके लिए मोदी साहब ने 1,000-1,000 रुपया जो महीने की पेंशन योजना रखी है, उसका बड़ा फायदा जो है वो यहां के लोगों को हो रहा है, हर इंसान को हो रहा है। आज मोदी साहब के इस दौर में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, आप देखें सुंदरबनी का डिग्री कॉलेज कितना खूबसूरत बन के तैयार हो रहा है। एक जमाना था कि मिडिल स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, और वहीं नौशहरा में भी, जब मैं अभी MLA नहीं बना था तो एक मिडिल स्कूल में नौशहरा डिग्री कॉलेज के बच्चे पढ़ते थे। आज वहां का डिग्री कॉलेज देखिए, वहां मेडिकल, नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स देखिए, और उसी प्रकार सुंदरबनी का डिग्री कॉलेज बहुत जल्द हम इसका उद्घाटन करने वाले हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को वहां लाने वाला हूं। आप देखिए रोड्स, रोड्स की वाइडनिंग, हाईवेज, गांव गांव के अंदर नबार्ड की सड़कें, BADP की सड़कें, PMGSY की सड़कें, गांव गांव के अंदर नौशहरा, सुंदरबनी और कालाकोट के अंदर हमने पहुंचाई। यहां गुजर और बकरवाल कबीले के लोगों को हक दिए गए, वहीं पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हक मोदी साहब ने दिए। हर एक शख्स का भला मोदी साहब ने किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं यह कारवां इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और मजबूती के साथ इस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होगा। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है मिशन 50+। आने वाले असेंबली इलेक्शंस में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस मिशन के लिए आप सबको काम करना है, एक फौजी की तरह काम करना है जो अपने देश के लिए लड़ता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश के लिए, भारत माता के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए, जिनका कोई नहीं है उनके मददगार और हमदर्द बन के आपने काम करना है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और इसी जज्बे को आप बरकरार रखें। मैं इस मौके पर आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब ठाकुर जी कुछ बोलो। भारत माता की जय। रविंद्र रैना जी की जय। परम पूजनीय रविंद्र रैना जी, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर ड्यूटी, सभा में उपस्थित सभी महान भाव, मैं अपने साथ आए हुए सभी समस्त जो मेरे साथी हैं उनकी तरफ से आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं सर, कि आपने इस बहते हुए समुंदर में हमें भी एक बूंद की तरह शामिल किया है। इसके लिए हम दिल से आपका, तहे दिल से आपके मशकूर हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय में लगभग 37 साल सर्विस की, और कई चीज़ें कहने को तो रैना साहब ने सब कुछ बता दिया, कई चीज़ें ऐसी हैं
कि जैसे जो मुझे इतना प्रभावित किया उन्होंने, जब से मोदी साहब आए हैं इतना प्रभावित किया कि जैसे अनसंग हीरो थे हमारे, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं पूरा हिंदुस्तान, उसमें जो अनसंग हीरो हैं, कोई ऐसे हीरो जिनका कभी नाम ही नहीं आया किसी चीज़ में, उन हीरों को जगा जगा के उनकी हिस्ट्री जो है वो लोगों को दिखाई जा रही है। उसके साथ साथ तिरंगा झंडा धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था, लेकिन आज देखोगे घर घर तिरंगा और स्कूल स्कूल में तिरंगा, दफ्तर दफ्तर में तिरंगा। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं बताना लगूंगा तो मुझे तो महीनों लग जाएंगे। और मैंने ऐसे कर्मठ प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और जितनी उनकी जो टीम है सुप्रीम, साथ में हमारा शेर रैना साहब, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं इस बात का। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात जो हमें मिली है, इतनी सौगातें मोदी जी दे रहे हैं, मैं कहता हूँ एक भगवान भी इतनी सौगातें नहीं दे सकते। छुट्टी चाहिए हमें, 70 साल के बाद छुट्टी हमें मिल गई, रैना साहब साथ बैठे पुल के ऊपर। और जो पहाड़ियों की जो हम लड़ाई लड़ रहे थे पिछले 40 साल से, आज पहाड़ियों की एक बच्चों के हाथ से भिखारी का कटोरा छीन लिया मोदी जी, हमें एक नई रोशनी दी मोदी जी ने। इन चीज़ों ने हमें प्रभावित किया सर, वो हमारे मन से आवाज़ उठी। मैं किसी के साथ नहीं, मैं अकेला चल पड़ूंगा उधर जहां ये समुंदर है, जहां से बाहर आ रही है। और मैंने किसी को नहीं किया सर, जो जो बंदे मेरे बहुत ही डेडिकेटेड हैं, और मैं और हम सिपाहियों की तरह आपके साथ रहेंगे, सिपाही बन के रहेंगे सर। आपने कहा सिपाही सच्चे सिपाही, हम आपके सच्चे सिपाही हैं, बन के बताएंगे, ठीक है सर? आपका आशीर्वाद हमारे पे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर नसीब सिंह जी। और मैं अब कहूँगा रिटायर तहसीलदार श्री पुरुषोत्तम सिंह जी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। काबिले कदर जम्मू व कश्मीर ड्यूटी प्रेसिडेंट रैना साहब जी, तमाम हजरात साहिबान, मेरी तरफ से आप सबको आदाब नमस्कार। हमारी फैमिली शुरू से ही बीजेपी के साथ जुड़ी रही, मुलाजमत होने के नज़रिए से ओपन खुलेआम नहीं आ सकी, तो अब हम